जय बद्री विशाल। कल रात में हम पीपलकोटी से 5 किलोमीटर आगे बाबा काली कमली वाला धर्मशाला में रुके। इस समय यहाँ से हम अपनी सुबह 7 बजे यात्रा बद्रीनाथ धाम के लिए आरंभ कर रहे हैं। लगभग 1 घंटे में हम जोशीमठ पहुँचेंगे, उसके बाद 2 घंटे और हमें लगेंगे बद्रीनाथ धाम पहुँचने के लिए। अज्यूम करते हुए कि ट्रैफिक नहीं मिलेगा, हम 10:30 बजे तक बद्रीनाथ धाम पहुँच जाएंगे। चलिए अपनी यात्रा आरंभ करते हैं। जोशीमठ से बद्रीनाथ धाम का रास्ता बहुत खूबसूरत है। आप पहाड़ देखिए सामने, हर तरफ लेफ्ट राइट कितने अच्छे लग रहे हैं। ऐसा मन हो रहा है कहीं पर गाड़ी रोकें और इस खूबसूरत नजारे को बहुत अच्छे से देखें, लेकिन रास्ता नैरो है तो बीच में रुकना एडवाइजेबल नहीं है। पीपलकोटी से बद्रीनाथ धाम पहुंचने में हमको 3.5 घंटे लगे हैं। सबसे पहले हमारी मुलाकात यहाँ पर चंदू भाई से हुई है, नमस्कार। तो इनके ये टेंट्स हैं यहाँ पर, तो ढूंढते करते हुए हम यहाँ पर आ गए हैं। तो हम ये अपने लिए टेंट लिया, 2000 रुपीज़ एक दिन का टैरिफ है। सुबह इन्होंने बताया गर्म पानी आपको मिल जाएगा और चाय नाश्ता की सुविधा उपलब्ध है। अब सबसे पहले हम मंदिर घूमने जा रहे हैं और चंदू भाई बोल रहे हैं कि मैं आपको अगले 24 घंटे लोकल गाइड भी कर दूंगा और आपको लोकल फूड खाने में भी मदद कर दूंगा। तो एक तरह समझ लीजिए ये हमारे लोकल स्पॉक है यहाँ पर। तो अभी हम अपना सामान अंदर रखवाते हैं, फिर चलते हैं आपके साथ। प्लीज लेट्स गो। सर ये सामने अलकनंदा नदी है, यहाँ से हम आगे पुल क्रॉस करके सामने तपकुंड और नारदकुंड में स्नान करेंगे। स्नान करने के बाद सर हम मंदिर के दर्शन के लिए लाइन में लग जाएंगे। मंदिर में दर्शन करने के लिए काफ़ी लंबी लाइन है, मुझे लग रहा है कि 1.5 से 2 घंटे में नंबर आ जाएगा। सबसे पहली बात यह है कि बद्रीनाथ यहाँ का नाम क्यों पड़ा, उसका एक कारण है कि जब भगवान नारायण यहाँ पर तपस्या कर रहे थे तो लक्ष्मी जी उनकी सेवा के लिए यहाँ आई वेर का वृक्ष बन करके और भगवान के ऊपर और आच्छादित कर दिया कि जिससे कि भगवान की तपस्या में किसी प्रकार का और कष्ट न हो, भगवान की तपस्या अबाध गति से चलती रहे और किसी प्रकार का की रुकावट ना आए। इसीलिए जब भगवान नारायण की तपस्या पूर्ण हुई तो भगवान नारायण ने लक्ष्मी जी को वरदान दिया, लक्ष्मी जी आपने मुझसे ज़्यादा कष्ट सहन किए हैं इसलिए पहले आपका नाम आएगा उसके बाद मेरा नाम आएगा। तो बद्री कहते हैं वेर के लिए, तो वेर कौन कौन बनी, लक्ष्मी जी, तो बद्री बनी लक्ष्मी, उनकी नाथ बनी बद्रीनाथ। तो बद्री के जो नाथ हैं, लक्ष्मी के जो नाथ हैं, वही भगवान बद्रीनाथ हैं। एक कल्प तक भगवान ने यहाँ पर तपस्या की और उसके बाद भगवान यहाँ पर सदा सर्वदा के लिए विराजमान रहे। जब यहाँ शतयुग त्रेता द्वापर युग तक भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन होते थे और द्वापर में भगवान नर नारायण ने कृष्ण और अर्जुन के रूप में अवतार धारण कर लिया तो यहाँ पे भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन होना असंभव हो गया। तो जब भगवान के दर्शन हुए तो लोकपिता ब्रह्मा के पास गए
और लोक पिता ब्रह्मा से प्रार्थना की। लोक पिता ब्रह्मा ने यहाँ पर मूर्ति स्थापना की और कालांतर में वो मूर्ति प्रतिष्ठा नष्ट हुई। और जब मूर्ति के भी दर्शन नहीं हुए और भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन नहीं हुए तो अरक्षमाणा शरणम सदाशिवम, जब कहीं शरण नहीं मिलती है तो भगवान शंकर ही शरण दे सकते हैं। इस बात को सिद्ध करने के लिए सब लोग भगवान शंकर के पास गए और भगवान शंकर के चरणों में निवेदन किया और सारे देवताओं की, ब्रह्मादि देवताओं की प्रार्थना पर भगवान शंकर ही शंकराचार्य के रूप में अवतरित होकर के और 11 वर्ष की अवस्था में यहाँ आकर के उन्होंने अपने दिव्य दृष्टि के द्वारा जो भगवान की प्रतिमा और नारद कुंड में अवस्थित थी उसको लोक कल्याण के लिए और पुनः यहाँ पर स्थापित किया। बोले भगवान बद्रीशाल की। भगवान बद्री विशाल के बहुत अच्छे दर्शन हुए। ये प्रसाद है जो मैं घर लेके जाने वाला हूँ। ये मैंने साथ लेके जाने के लिए प्रसाद लिया। आप देखिए चोलाई के लड्डू। आप मंदिर के एंट्री गेट में देखिए यात्री कितने उत्साह से भगवान बद्री विशाल के दर्शन करने के लिए खड़े हैं। इस समय 3:30 हो चुके हैं। अब अपने कैंप में जाकर हम प्रसाद रख देते हैं और उसके बाद माना चलते हैं। ये बसें खड़ी हुई हैं, गाड़ियां खड़ी हुई हैं, जो लोग माना गांव घूमने आए हैं। माना विलेज के गेट तक हम पहुंच चुके हैं। आप देखिए सामने लिखा भी हुआ है। मैं देख रहा हूं यहां पर वुलन का बहुत काम है। हाथ से स्वेटर बुने जाते हैं, टोपी बुनी जाती है। जगह जगह स्टॉल्स हैं। हमारे साथ ही यहाँ पर स्टॉल है। तो आपके पास टोपी जो है ये देख सकता हूँ, क्या कीमत है इसकी? 100 रुपीज। आप हरिद्वार में देखेंगे तो माइलस्टोन लगा होता है माना 323 किलोमीटर्स, ऐसे चलता रहता है। तो हम इस जगह इस विलेज के बाहर खड़े हैं। सही है, तो ये मैं आपसे एक टोपी ले लेता हूँ। तेजमल, ये इन्होंने बताया तेजमल है, काली नज़र दूर करने के लिए लोग ले लेते हैं और अपने घर में रखते हैं। अच्छा, ये बता रहे हैं दाल और सब्जी में तड़का लगाने के लिए फरन काम आता है जिसको जम्बू बोलते हैं। ये मैंने अभी आके पहली बार देखा, मेरे को इसका बिल्कुल आइडिया नहीं था। ये कितनी कीमत है इसकी? 20 रुपये। तो आप मेरे को एक ये भी दे दीजिए। ये मेरी नानी है। अच्छा। और ये मम्मी। नमस्ते जी। आप ऊन से क्या बना रहे हैं? टोपी बना रहे। टोपी? टोपी। अच्छा अच्छा, मैं देखा यहाँ माना में काफी काम है टोपी का। हाँ, बहुत काम, काम करते। ऊन का बहुत काम है। सही है। अच्छा, हम चंदू भाई की नानी के घर आ चुके हैं। आने का पर्पस है गढ़वाली भोजन करना चाहते हैं आपके यहाँ पर। बनाएंगे इस समय शाम के ऑलमोस्ट 5 बज चुके हैं, थोड़ा आने में लेट हो गए। तो अब हम लंच और डिनर कंबाइंड करेंगे इनके यहाँ पर। अच्छा, तो ये आप क्या बना रहे हैं? मरजा, हमारा भाषा में मरजा, आपकी भाषा में चाय। चाय? चाय। चाय। हाँ। अच्छा, ये का चाय। अच्छा, ये कैसे तैयार हो रही है घी चाय? पहला नमक डाला, घी डाला और हमारा बोटिया वो होता क्या कहते हैं उसको, पत्ती, उसको उमालते पानी में, तो इसमें डालते। अच्छा, वो सब आप डाल चुके हो? बस। अच्छा, सही है। इस तरह से मिलती जुलती चाय लास्ट मेरे को याद है, मैंने सिक्किम में पी थी। नाम नहीं याद आ रहा क्या बोलते हैं उसको, वो भी इसी प्रकार से चाय बना रहे थे, घी चाय। घी चाय। सही है। ये आप क्या बना रहे हैं इसमें? ये हम इंदिरा बना रहे हैं। पहले गए भिगाया, तब इसको पीसा, अब तब पीस के तब ये चावल के ऊपर रख देते। इसको चावल चावल के ऊपर रख देंगे? हाँ, चावल बनाते हैं ना, तो उसके ऊपर भाप से, भाप से पक जाता है। सही है, भाप से पक जाता है।
अच्छा हाँ। गैत भिगाते ना हाँ जी। तो पीस के दाल बनाते हैं, साग बनाते हैं, साग बनाते हैं, उसमें थोड़ा जीरा डालते हैं, हमारा पहाड़ी जीरा, इसमें हल्दी नहीं डालते। तो ये जम्बू जो हम लाए हैं इसका तड़का इस पे लगेगा। जब तक फक्टवानी और इंदिरा तैयार हो रहा है, चाय पियेंगे? ठीक है जी। अभी हम हाल ही में असम गए थे, वहाँ मैंने बहुत सारा कांसा का बर्तन देखा। हम लोग भी बहुत ज्यादा इसको ज्यादा यूज करते हैं। हम लोग इसको यूज ज्यादा करते हैं, खाना भी हम थाली में खाते हैं। सेहत के लिए बड़ा लाभदायक है। इससे हमको भूख नहीं लगती है। हम सुबह ये पी के खेत जाते हैं, जंगल जाते हैं, तो दोबारा घर आने तक हमारा मतलब बॉडी फिट रहता है। वेरी गुड। ये क्या चीज है? ये सत्तू है। गेहूँ का, गेहूँ उबालते हैं, फिर उसको सुखाते हैं, सुखाने के बाद उसको फिर भूजते हैं कढ़ाई में, और उसके बाद फिर चक्की पीसते हैं। अच्छा। फिर ये आटा तैयार होता है, सत्तू बोलते हैं इसको। अच्छा। सुबह उठे जा पिया सत्तू, और सत्तू सुबह हम एक दो कटोरी पीते हैं, उसके बाद ये खाते हैं, अपना काम पर चले जाते हैं। तो अभी एक चीज बताइए, चाय के अंदर हम सत्तू डालेंगे? हाँ, पहले आप चाय पियेंगे, थोड़ा रखते हैं चाय, तब उसके बाद बनाते हैं। सही है। काफी काफी अलग स्वाद है, हाँ काफी स्ट्रॉन्ग। ओ ऐसा फू करके फिर वो घी किनारा हो जाएगा, और नीचे का जो वो रहेगा वो हम पी लेंगे, और ऊपर का वो मटेरियल आपका रहेगा, उसके लिए सत्तू स्वाद बनेगा। अच्छा हाँ, फू कीजिए आप। वो मैं फू करने की कोशिश कर रहा हूँ। जम्बू का खुशबू कैसा आया? बाय गॉड, ये जम्बू का खुशबू है जबरदस्त। हाँ जबरदस्त, ऐसे ही आता है, दूर तक आता है। अभी तो कितना हम लोग कम से कम 15 फुट दूर होंगे। इससे भी दूर आएगा, इसमें आपका नीचे तक जो बीमार होता है, जिससे वो लोग खाना नहीं खा सकते, तड़का मार। अच्छा जी, क्या जम्बू की खुशबू है जबरदस्त। हाँ ये है हमारा यहाँ का। हम लोग इस टाइम कम से कम 15 फीट दूर है, और हम लोग को खुशबू आ रहा है। इसको भी हम लेने के लिए उधर जंगल जाते हैं। अच्छा, वहाँ से लेके फिर सुखा के फूट के। सही है, सही है, जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा चाय तो बातों बातों में रहेगी। अच्छा एक बार वो फूक मारने वाला सिस्टम मुझे दोबारा बताओ। फूक करे हल्के ऐसा, चाय बड़ी मजेदार है। कोई चाय ए, अच्छा एक बात माननी पड़ेगी, वाकई मेरे को ऐसा पीने से लग रहा है कि अगर बर्फ पड़ रही हो तो उस समय इसका चाय का ज्यादा स्वाद आएगा। इसीलिए मतलब ये मई महीने की चाय नहीं है, ये है दिसंबर जनवरी की। हाँ, ये हम दो कटोरी पीते हैं। अच्छा तो ऐसा है, सही है। अब ये डालिए, कितना चम्मच? दो तीन चम्मच, एक चम्मच डाल दीजिए, मीस चम्मच, दो डाल, एक और डालो, एक और डालो, थोड़ा और डाल, नहीं नहीं काफी है, अब बनाओ, हाथ से बनाओ, इसका स्वाद होता है हाथ से। हां अब इसको क्या करें बताइए? अब इसको हिलाओ, हिलाओ उंगुली से, इसका ये है कि आपका एक उंगुली से बनाना है। हाँ पूरा बना लीजिए ऐसे ऐसे करके। हाँ और घोलो, पूरा घोल लीजिए, सब मिक्स कर लीजिए। अच्छा ये हाँ, सही है। अगर हम टेट बनाएंगे तो आप खा नहीं पाओगे। हल्का सा ऐसे थोड़ा हाँ, थोड़ा और डाले, हलवा हो गया। अच्छा इसीलिए आपने बोला पहाड़ी हलवा। अब ये हलवा नहीं बन गया, घी भी गया, पानी भी गया, ओके, और आपका नमक भी गया, चीनी भी गया, तो ये खाने से हमको ताकत आएगी। हाँ हमारा पेट भर जाएगा, कल तो वहाँ पहुँच जाएगा। पहाड़ में भागते भागते आप जैसे चढ़ाई चढ़ोगे, इसका हमको थकावट नहीं होगा। अच्छा? ये हमारा वो बॉडी को करेगा। तब बोतल मोहन क्या चलाएगा? खाइए। और वैसे भी सत्तू, बट काफी जगह सत्तू गर्मी में खाया जाता है, वो वाला अलग है, वो जौ का बना, वो ठंडा के लिए खाया जाता है। जो बिहार में खाते हैं, हाँ हाँ, वो लोग तो गर्मी में खाते हैं सत्तू, वो गर्मी में पानी के साथ खाते हैं, जैसे हम ये जा के साथ खा रहे हैं ना, वो लोग पानी में मिला के खाते हैं सत्तू, पतला पतला करके तो मतलब पीते हैं, ऐसे नहीं करते, वो गीला गीला करके। ये खा के आप उधर ऐसा दौड़ेंगे ना, स्टेशन पहुंच जाएंगे। बहुत स्वाद है, मैं सीरियसली आपको बोल रहा हूँ, बहुत ज्यादा स्वाद है। वो नहीं वाकई, मैं तो पहली बार अपने जीवन में इस तरह का सत्तू और जिया जिया ना, एक हमारे साथ
हम मुजफ्फरनगर में रहते थे। हाँ जी। तो उस टाइम हमने बनाया, वो अचानक आ गया, कह रहे आंटी भाभी आप क्या पी रहे हैं? मैंने कहा हम ये जा पी रहे हैं। फिर उसने भी पिया। उस दिन से वो हर संडे को मेरे यहाँ जा पीने आता था कि भाभी जा बन गया, मैं जा पी रहा। रोटी वोटी नहीं पूछना उसने, जा पीना उसने। तो उनको बहुत अच्छा लगा। वो कह रहा था भाभी हम तो पानी के साथ खाते सत्तू। तो उनका सत्तू और हमारे सत्तू गर्मी का दिन वो गर्मी में खाते, ठंडा होता करके जो ठंडा होता। इसको मैं जैसे खा रहा हूँ तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि इसके अंदर घी है, ऐसा क्यों? वो सब वो कर दिया। हो गया ना? हाँ, मतलब घी का एहसास नहीं हो रहा। नहीं चाय पीते समय तो एहसास हो रहा था। हाँ। लेकिन सत्तू तो मिलने से अब आपका सत्तू का टेस्ट आएगा, अब घी का नहीं आएगा, अब ज्यादा सत्तू का असर। अति उत्तम, बहुत ही शानदार आज तो, मतलब आपका गर्माई हो रहा होगा, थोड़ा हल्का गर्म लगता है पेट में। हाँ जी हाँ जी, अभी तो नहीं लग रहा लेकिन लगेगा, लगेगा गर्म लगेगा ऐसा मुझको लग रहा है। लेकिन इतना मेरे को जरूर लग गया कि अगर मैं दिसंबर जनवरी में बर्फ पड़ रही हो इस तरह का चीज ले लूं तो बहुत गर्माइश मिलेगी। हम इसीलिए तो बनाते हैं इस चीज को, यहाँ ठंडा इलाका में बर्फ पड़ता है। बहुत शानदार। तो अभी नहीं नहीं बस, तो अभी हम वहाँ पर पानी है बेटा। हाँ हाँ, ये कहाँ रखूँ? अच्छा, थोड़ा आप अपने बारे में बताइए कि आप लोग यहीं के रहने वाले हैं, माना गाँव के? छह महीने यहाँ रहते हैं, छह महीने गोपेश्वर। अच्छा, नहीं जैसे है यही के है, मूल निवासी। मूल निवासी आप लोग इधर के हैं? अच्छा, यानी आपके बाप दादा भी इधर के हैं? इधर ही के हैं। हम गढ़वाल में बाकी जगह भी गए लेकिन वहाँ पर आपके जैसा हमने पहनावा नहीं देखा। केवल ये नीति माना वाला पहनते हैं बोटिया लोग। नीति माना गाँव, गाँव वाले। अच्छा, रोंगपा लोग, जो रोंगपा इंदिरा चावल पुदीने की चटनी साथ में फक्टवानी तैयार हो चुकी है। लो जी, इंदिरा आ गया पास हमारे और चटनी। ये जो गहत दाल है इसकी तासीर भी गर्म है ना? सर्दियों में खाया जाता है। ये सर्दियों में खाया जाता है। वाह जी, वैसे चटनी में खुशबू सही है। ये पुदीना हाँ ताजा, पहाड़ी पुदीना का स्वाद भी फर्क होगा। हाँ, फर्क होगा, नीचे का पुदीना और यहाँ का पहाड़ का पुदीना अलग फर्क होगा थोड़ा। बहुत अलग चीज है ये तो। हाँ, बिल्कुल अलग डिश है, चीज अलग है ये। हाँ, ये कोई नहीं बनाता हमारे अलावा। हमारा यहाँ मतलब जो नीति माना के हैं दो घाटी के लोग ही बनाते हैं ये। आपका उधर सिक्किम में भी नहीं बनता इंदिरा चावल, भले बनेगा जा बनेगा, क्या चीज ये नहीं बनता। जबरदस्त, ये हमारे इधर ही बनता केवल। थोड़ी चटनी और लगाऊंगा मैं। हाँ, लगाओ जितना आपको स्वाद लगे। मतलब इसमें ये होता है कि जितना हमको जरूरत है। सबसे बढ़िया बात ये है कि इसको आपने भाप से बनाया, जो आपने गहर दाल तैयार किया उसमें नमक के सिवा कुछ नहीं डाला ना। और ये जो चटनी है, चटनी इसमें पुदीना वाकई बहुत स्वाद है। ये पुदीना बहुत अलग है और हरी मिर्च आपने अच्छा काम ये किया, ऊपर रखा। हाँ। मतलब हरी मिर्च ऐसे डाली है कि जिसको हरी मिर्च पसंद है वो ज्यादा मजा करेगा। मुझे पसंद है वैसे हरी मिर्च। हरी मिर्च का बहुत शानदार। खाली इंदिरा उतना मजा नहीं देगा जो चटनी के साथ आ रहा है। हाँ। खाली इंदिरा तो आपको मतलब क्यों फीका लगेगा, सूखा सूखा लगेगा, सूखा सूखा फीका लगेगा। चावल कटोरी में डाल देना। अच्छा जी, इसको भी डाल दे बेटा। हाँ, अब मिक्स करके, अब मिक्स करके खाओ। अच्छा, अब इसको दोनों मिक्स करो। अच्छा, मैश करके खा लीजिए। मैं अभी तक ये नहीं समझ पाया कि फक्तवानी का रंग ऐसा कैसे आया। ओ, आपका लोहे ज्यादा पकाने से धीरे धीरे आंच में, डेढ़ घंटा पकाना पड़ता है इसे, धीरे धीरे आंच में। और आपका एल्युमिनियम कढ़ाई में नहीं बनेगा, ये लोहा कढ़ाई में। तो लोहे का मतलब आपका आर्यन आर्यन से काला होगा। तो यानी गहत दाल को जब आपने डेढ़ घंटा लोहे की कढ़ाई में पकाया तो रंग इसका ऐसा आया। धीरे धीरे पकाने से जबरदस्त। एक एक बात तो ये है, अभी मेरे को लग नहीं रहा कि मैं गहत दाल खा रहा हूँ। वो नहीं लगता है वो, क्योंकि गहत इससे पहले खाया स्वाद अलग था। आज से पहले भी हम लोग गहत दाल खाया। इसको खाने से तो गहत लग ही नहीं रही है। गहत हमारा वो जो साबुत होता है उसको हम अलग बनाते हैं ना, अलग तरीका से पकाने में फर्क है ना, ज्यादा पकाएंगे तो ज्यादा स्वाद होगा। तो एक तरह से इसके अंदर दो गुण आ गए। एक गुण तो आ गया गहत दाल का, जिसके अपने इतने फायदे हैं।
दूसरा गुड़ इसके अंदर आयरन का भी आ गया, क्योंकि इंसान को आयरन की जरूरत होती है शरीर में, इसीलिए हम आयरन में ही बनाते हैं इसको, आयरन वाला उसमें ना। अच्छा, खाते खाते महसूस भी होता है कि बहुत स्वाद बदल गया। 5 बजे हम यहाँ पर आए थे और इस समय 7 बज चुके हैं, अगले 5 से 10 मिनट के अंदर अंधेरा हो जाएगा। मैं वाकई आपको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। आपके लिए भी धन्यवाद। ठीक है, इतना स्वादिष्ट खाना, और खाना तो मैंने बहुत पसंद किया, इसमें तो कोई शक नहीं है, मतलब मैं दिल से आपको ये बात बता रहा हूँ। और उससे भी ज़्यादा मैंने जो चीज़ पसंद करी है, मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा लेकिन एक बात बोल रहा हूँ, जो बहुत पसंद किया आपने, कितने प्रेम से खिलाया। आप माना आएंगे तो ज़रूर ट्राई करिएगा। इन्होंने बताया कि अगर आप किसी शॉप में जाकर भी बोलेंगे तो वो देंगे। ठीक है, शॉप में भी बन रहा ना, हाँ, मतलब बनाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, चलो इजाज़त। आपके लिए भी धन्यवाद, इजाज़त। अच्छा जी, धन्यवाद। लौट कर हम माना गांव गेट की तरफ आ चुके हैं। आप नज़ारा देखिए यहाँ से कितना खूबसूरत है, नीचे अलकनंदा रिवर का प्रेशर, सामने पहाड़, सूरज डूब चुका है, 5 या 10 मिनट के अंदर अंधेरा हो जाएगा। आज हम माना गांव नहीं घूम सके, जिसके लिए कल हमको दोबारा यहाँ पर 1 घंटे के लिए आना होगा। आज के लिए मेरा मन है कि आपको बाय बाय करने के बाद मैं मंदिर दोबारा जाऊँ और दोबारा से दर्शन करूँ। आपसे जल्दी मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड, सुबह 1 घंटे के लिए यहाँ पर आएंगे और उसके बाद आगे की जर्नी हम कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए जय बद्री विशाल।